आज हम लोग मूली गाजर हरी मिर्च का अचार बनाएंगे, जो ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। इसके लिए हमने मूली ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, गाजर ले लिया है। इसको धुल के पोंछ के इसको बारीक बारीक काट के धूप में डाल दी है 2 घंटे के लिए। अब आइए चलिए शुरू करते हैं, चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। इसमें पहले हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक नींबू डालेंगे इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इसमें। आप चाहें तो खाली नींबू नमक डाल के भी बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को हमने मिक्सी में पीस लिया है दरदरा सा, इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है अचार का। 1 चम्मच राई डाल देंगे। दो या तीन नींबू का रस, जिसका हमने रस निकाल कर रख लिया है, डाल देंगे 4 चम्मच। इन सबको मिला देंगे। सिंपल एकदम आसान तरीके से ये अचार बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको बना के 2 दिन बाद आप इसको खाने लगिए, 2 दिन में ये अचार तैयार हो जाता है। बनाने के बाद इसको हम 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ये देखिए अचार बनके हमारा तैयार है। अब इसको एक सूखे कंटेनर में रख लेंगे। ये देखिए हमने मिला के एक कंटेनर में रख दिया है। अब इसको हम धूप में 2 दिन के लिए रखेंगे, 2 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। अचार देखिए बनके हमारा तैयार है। इस तरह से बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी अचार ये लगता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।